सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आ गया और एक नए एपिसोड के साथ पोकेमॉन फायर रेड में। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने हमने यहाँ सेव किया था विरिडियन फॉरेस्ट के सामने, और हमारे पास पीजी भी है जिसका लेवल 9 है। हमारे स्टार्टपॉइंट का भी लेवल 9 है, तो हम आगे करेंगे आज। ओके, रेजिस्टर में फिर हम पूरी बात नहीं छोड़ो। हाँ, और हमने विरिडियन सिटी को पूरा एक्सप्लोर किया था और होल लीग के रास्ते में गए थे, और अपने ये ट्राइबल रेक्स ग्रीन से बैटल की थी, सेकेंड बैटल की थी। और हाँ, मैंने बीच में पढ़ भी लिया क्या बोला इसने ये बोला है कि एक पसल ही है, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट उसमें खो मत जाना। तो ओके, I come here with some friends to catch us some bug Pokemon. They are all bleaching to get into some Pokemon battle. Okay, तो हम आगे चलते हैं यहाँ से, क्या करें? मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ Pokemon पकड़ूँ, लेकिन यहाँ कोई अच्छा Pokemon है नहीं। पिकाचू मिलता है पर बहुत मुश्किल से, तो आज तो हम बस इसे कम्प्लीट करेंगे। तो एक मिनट, ये यहाँ सारे बग टाइप पोकेमोन है, तो हमारे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन और एक फायर टाइप पोकेमोन। तो अगर हम यहाँ पे घूम भी रहे हैं और यहाँ तो बग टाइप ट्रेनर्स भी है, तो हमारे पोकेमोन का लेवल ऑलमोस्ट 11 to 12 में करके रहूँगा, क्योंकि हमारा अगला जिम है रॉक टाइप जिम और मेरे पास कोई इफेक्टिव पोकेमोन नहीं है। और मेरे हिसाब से मैंने सुना था कि चार्मेंडर लेवल 9 या 10 पे मेटल क्लो सीखता है, जो रॉक टाइप पे सुपर इफेक्टिव होता है, लेकिन अभी तक उसने सीखा नहीं है। वो 9 का है, वो 10 का हो गया। अच्छा, हाँ अभी 10 का हो गया। तो अब क्या करें वो मैं सोच रहा हूँ, भी देखते हैं कुछ भी हो। और वैसे भी इसको मैंने निकनेम दिया है, पर निकनेम से बुलाता नहीं, पर अब मैं निकनेम से ही बुलाने वाला हूँ। क्यूटी भी हमारा लेवल अप हो जाएगा, और जैसे मैंने अभी किया, मुझे लग रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा लग रहा है चार्मेंडर को ब्लेस को ट्रेन कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, यहाँ वाइल्ड में भी ट्रेनिंग हो जाएगी और पोकेमॉन बैटल्स में भी। चलो कुछ बैटल देखते हैं, मतलब पोकेमॉन बैटल। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ये करने वाला हूँ कि मैं बस मतलब बस इसे कंप्लीट करूँगा, ये विरिडियन सिटी को। ये वीडियो मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जानता हूँ मैं ये वीडियो वेंसडे को डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग के वक्त ऑडियो डाल रहा हूँ। और हाँ, और ये जो साउंड्स है सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने डाला है, तो अब थोड़े सा अजीब लगेगा, एकदम गेम की तरह नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए सॉरी। पर मैं बहुत बिजी चल रहा था, तो मैंने जैसे तैसे 10-11 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब मैं सोच रहा था इसे एडिट करके डाल दूंगा, पर मुझे टाइम मिला नहीं, तो सॉरी फॉर कि ये वेनेसडे को आर। बात नहीं, चलो इस फुटबॉल को लेंगे, पहले इससे बैटल कर लें, क्योंकि एम्बर से इसका काम खत्म। नाइस, एम्बर यहाँ को पता नहीं क्यों इतने पोकेमोन क्यों आ रहे हैं, मतलब आसपास से पोकेमोन ही है, मैं फुटबॉल ले ही नहीं पा रहा था। ओके, पोशन है, कोई बात नहीं। हमें अब पीजी को क्यूटी को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी चार्मेंडर लेवल ब्लेज लेवल 11 का हो गया। कोई बात नहीं, अब इसे भी ट्रेन कर लेंगे। मैं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि
मुझे ये जो विरिडियन सिटी की विरिडियन फॉरेस्ट और ये सब की जो साउंड है, मतलब मैंने रिकॉर्ड तो पहले किया और ये बैकग्राउंड साउंड बाद में दिया ना, मतलब गेम का साउंड तो बाद में दिया है, कमेंट तो मैं साथ में कर रहा हूँ लेकिन बैकग्राउंड तो मैंने बाद में दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। एक ट्रेनर तो हरा दिया, अब इससे बैटल कर लेते हैं ना। मैंने 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए, कोई बात नहीं, अब सीरियसली हम सारे बैटल स्लोमो ही लड़ेंगे। स्टील पोकेमॉन कोई वॉल पोकेमॉन नहीं होगा, गया नहीं गया, चला गया। इसके बाद वाला को देखना, मैं एक ही हिट में मार दूंगा। कस्ट मुझे मार दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाप रे बाप, गेस को मार दिया। हाँ वैसे उसने स्ट्रिंग शॉट किया था इसलिए, वरना तो दोनों 11 लेवल के हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ, तो स्क्वैश वॉल पोकेमॉन है, मुझे लगा था इसके पास कोई भी वॉल पोकेमॉन नहीं होगा, उसके पास है, अच्छी बात है, हमारा लेवल जल्दी जल्दी बढ़ेगा, कम से कम 12th लेवल तो हो जाएगा ना दोनों का। एंटीडोट के मैंने एक क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे वहाँ जाके मुझे ऐसे याद आना चाहिए था, फालतू में मैंने इतना लंबा वो ले लिया। वापस मैं जाऊँगा ही, वहाँ देखना है ना मुझे क्या है। अच्छा ट्रेनर है, कोई बात नहीं, जाना ही था लेकिन मैंने टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा आके उधर, कोई बात नहीं। ओके इसके पास है कैटरपी, कैटरपी को वो करते हैं। तो बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ करता हूँ, मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है बच्चा खेल रहा है या फिर कोई सच में गाड़ी यहाँ से जा रही है। सॉरी अगर तुम्हें आ रहा हो तो सॉरी, मुझे तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आवाज़, तुम्हें आ रही है कि नहीं पता नहीं, और सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी वीडियो को मैं कॉमेडी बना पाऊँगा थोड़ा सा भी, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना गेम प्ले में आप लोगों को भी देखने में, कि और सिर्फ बोलते रहते हैं फिर ये थोड़ा कॉमेडी उनसे अच्छा लगता है देखने में। मैंने अगली वीडियो में ट्राई किया था, और हाँ तो अगली वीडियो में मुझे कमेंट भी आया था, मतलब मेरे फायर रेड वाले में, फायर रेड नहीं एडवेंचर रेड चैप्टर वाले में मुझे कमेंट भी आया था, और उस कमेंट को मैं अभी स्क्रीन में दे दूँगा। तो थैंक यू ब्रो, तुमने कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे, मुझे अच्छा लगा, और मुझे और वो हुआ, मैं बिजी था फिर भी मैंने ये रिकॉर्ड किया, मैं डाल रहा हूँ क्योंकि लोग हैं जो मुझे देखते हैं, अच्छा लगता है कि कोई देखता है मुझे, कमेंट करता है, अच्छा लगता है उसको वीडियो, इसलिए मैं डालता हूँ। तो थैंक यू, मैं अगली वीडियो जो थोड़ी लंबी बनाऊँगा, अगर मैं एडवेंचर रेड चैप्टर वाली थोड़ी लंबी होगी, मुझे पता है क्योंकि अब जितने आगे जाएंगे उतनी लंबी वीडियो होगी, तो मैंने इसे छोटी बनाने का कोशिश किया, और मेरे पास ट्राई कर सकता था कोशिश के लिए क्योंकि मैं विरिडियन फॉरेस्ट को निकलना चाहता था। तो ओके तो इसके लिए मैंने इसे छोटा बनाया, लेकिन अगले से आराम से वीडियो आएगी, बड़ी आएगी थोड़ी सी, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट या 20 मिनट की तो होगी ही होगी। तो मैं कोशिश करूँगा उसे कॉमेडी बनाऊँ, और थोड़ा ज़्यादा ये अच्छा गेम प्ले करूँ, और ठीक है मैं अगले बार से ट्राई करूँगा थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊँ, ये वीडियो छोटी थी इसके लिए सॉरी। तो मैं ट्राई जरूर करूँगा कि अगली बार से मैं बड़ी वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बड़ी वीडियो बनाऊँगा तो अच्छा नहीं है, ठीक है, ये वीडियो तो इतनी खास नहीं होगी मुझे पता है, पर ठीक है। और मैंने सारी स्लोमो की क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए मुझे अभी स्टार्टिंग, उसके बाद तो हम स्किप करेंगे करेंगे। ये अंकल क्या कहते हैं, हैव यू नोटेड द स्किनी ट्रीज ऑन द रोड साइड, यस, नहीं वैसे मैंने देखा नहीं, दे आर
कट कट कुछ बोला था, कट कर सकता हूँ। टीएम की बात करूँगी। अच्छा ये क्या कहती है, डू यू नो द इवोल्यूशन कैंसल टेक्निक, व्हेन ए पोकेमोन इज इवॉल्विंग यू कैन स्टॉप द प्रोसेस। मुझे जानना है। इट्स ए टेक्निक टू राइज पोकेमोन द वे। अब मुझे जानना है कि कैसे, क्योंकि कभी कभी हम वीडियो बनाते हैं ना कि हम इसी वीडियो इस अगली वीडियो में इवॉल्व करेंगे, इसलिए मुझे करना है तो जानना है तो ओके हम तो आ गए हैं। हम आ गए पैलेट सिटी में। पैलेट तो टाउन है, प्यूटर सिटी में आ गए हैं और यहाँ पे आके अब हम हील कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो अब ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है। अब यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।